हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा इन्फिनिक्स नोट 45G फ़ोन है, तो इन्फिनिक्स नोट 45G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में स्क्रीन एड्स वगैरह या डिस्प्ले एड्स वगैरह को आप कैसे हटा सकते हैं अपने फ़ोन में, और कैसे डिस्प्ले एड्स एंड स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कर सकते हैं अपने इन्फिनिक्स फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्क्रीन एड्स वगैरह को आप कैसे हटा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं, इसमें स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से सेटिंग्स पे जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। इस पर जाकर आप स्क्रीन एड्स वगैरह को हटा सकते हैं, आप रिमूव भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग शो हो रही है, जहाँ से आपको जाना होगा, जिसमें से आपको जाना होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे, जहाँ से स्क्रीन एड्स वगैरह को हटा सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली बैक करते हुए आपको ऐप मैनेजमेंट पे जाना है, जहाँ से जिस भी ऐप्स का डाटा या जिसकी ऐप्स की एड्स आपके स्क्रीन पे शो होती है, तो उस ऐप्स का आपको डाटा क्लियर कर देना है। जैसे आपके फ़ोन में क्रोम आइकन्स है, क्रोम की एड्स हैं वो स्क्रीन पे बार बार शो हो रही हैं, तो उसके लिए सिंपली बस आपको यहाँ से क्लियर स्टोरेज कर देना है अपने फ़ोन का। स्टोरेज क्लियर करते ही स्क्रीन एड्स आपके फ़ोन से हट जाएंगी और रिमूव हो जाएंगी, जो शो नहीं करेंगी। और साथ में जैसे अगर फिर भी शो होते हैं, तो आप प्राइवेसी पे जाकर ऐड सेटिंग्स पे जा सकते हैं, जहाँ से स्क्रीन एड्स वगैरह को आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं एंड आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आप से कर देंगे तो आपके पास से रीसेट एंड ये ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करके कंफर्म करके स्क्रीन एड्स को हटा सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो लेते जाकर।